नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो काफ़ी फेमस प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और ऑलमोस्ट सारे कंपनीज में ये पूछते हैं, तो चलिए देखते हैं। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज फाइंड पेयर विथ गिवन सम इन अ सॉर्टेड अरे। तो हमारा जो इनपुट है वो बेसिकली एक अरे है, दैट इज सॉर्टेड, और एक सम हमें दिया गया है। हमें ये निकालना है उस अरे में कोई पेयर एग्जिस्ट करता है या नहीं है जिसका समेशन ये वाला सम हो। लेट्स से दिस इज द गिवन अरे एंड दिस इज द सम। तो यहाँ पे हमें ये निकालना है कि ये अरे में कोई पेयर ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या जिसका समेशन 14 होगा। तो इसको हम लोग टू पॉइंटर मेथड से सॉल्व करेंगे। टू पॉइंटर मेथड बेसिकली ये बोलता है, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है अरे का और यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है अरे का, ये फर्स्ट पॉइंटर होगा और ये सेकंड पॉइंटर होगा। तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे जिसका वैल्यू होगा सम, और ये सम को हम लोग जो गिवन सम होगा उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो भी कंपैरिजन का वैल्यू आएगा, ये वैल्यू हमारा तीन तरीके का आ सकता है। एक है सम इज इक्वल टू 14, दूसरा है सम इज लेस देन 14, तीसरा है सम इज ग्रेटर देन 14। सो जब हमारा इक्वल हो जाता है दैट मीन्स हमें पेयर मिल गया है जिसका समेशन 14 है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली वो दोनों वैल्यू प्रिंट करा देंगे और वहाँ से रिटर्न कर लेंगे, राइट। अगर सम इज ग्रेटर देन 14 हुआ, दैट मीन्स हमें सम को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो रिड्यूस कैसे करेंगे, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एलिमेंट इन दिस अरे, बिकॉज दिस इज अ सॉर्टेड अरे विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। तो इसको हम लोग अगर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, सम का वैल्यू। तो हमें इसको घटाना है बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल इन दिस एरे, तो इसको हमें घटाना है। तो जहाँ पे भी हमारा सम इज ग्रेटर देन 14 आएगा, हम जो लास्ट पॉइंटर है उसको घटाएंगे, तो ये घट के 10 पे आ गया। तो अभी हमारा फर्स्ट पॉइंटर है 1, सेकेंड पॉइंटर है 10, फिर से वही से इंक्रीज करेंगे 1 + 10, दैट इज इक्वल टू 11। सो यहाँ पे सम हो गया 11 और ये है 14, दैट मीन्स सम इज लेस देन 14। सो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, सम अगर लेस है तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है सो दैट इट कैन मैच विथ 14। तो यहाँ पे इसको तो बढ़ा नहीं सकते बिकॉज 14 हमारा ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है कि ये पेयर नहीं बन सकता। तो हमें ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको बढ़ाना है, तो इसको बढ़ा के हम लोग 3 कर देंगे। फिर अभी हमारा फर्स्ट पॉइंटर है 3, सेकंड पॉइंटर है 10, सो 3 + 10 विल बी इक्वल टू 13। सो अगेन 13 इज लेस देन 14, तो उस केस में हमें ये जो सम आएगा जो 13 है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है टू मैच विथ 14, राइट। तो यहाँ पे जो 3 था वैल्यू यहाँ पे, तो इसको हम लोग बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा अभी हमारा फर्स्ट पॉइंटर। तो अभी 10 होगा फर्स्ट पॉइंटर, सॉरी, तो अभी 4 होगा फर्स्ट पॉइंटर एंड 10 विल बी द सेकेंड पॉइंटर। तो इन दोनों के बीच में अगर समेशन हम लोग निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 14। सो 14 इज इक्वल टू 14, दैट मीन्स ये वाला हमारा स्टेटमेंट होगा, राइट। 14 इज इक्वल टू 14, तो इन दैट केस विल जस्ट प्रिंट दोज वैल्यूज, इन दिस केस 4 एंड 10। तो यहाँ पे L और R हमारा दो पॉइंटर है, तो फर्स्ट पॉइंटर विल बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे और ये जो पॉइंटर है वो एरे का लास्ट एलिमेंट होगा। तो इसके बाद हमें ये जो ऑपरेशन हम लोगों ने डिस्कस किया टू पॉइंटर का, ये तब तक हमें करना है जब तक ये जो लेफ्ट पॉइंटर है दैट इज लेस देन आर पॉइंटर। तो यहाँ पे हम लोग वो कंडीशन लिख लेंगे, व्हाइल एल पॉइंटर इज लेस देन आर पॉइंटर, जो मैंने एक्सप्लेन किया ये उसी का कोड है। पहले हम लोग दो पॉइंटर ले रहे हैं एल एंड आर, यहाँ पे चेक कर रहे हैं व्हाइल एल इज लेस देन आर, जब एल इज इक्वल टू आर हो जाएगा या फिर एल इज ग्रेटर देन आर हो जाएगा, ये हम लोगों के चेक करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एल तब तक आर को एक्सीड कर चुका होता। तो इन दैट केस हम लोग सिंपली ये जो लूप है उससे बाहर आके बोल रहे हैं कि नो पेयर। अगर ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होता है तो हम लोग बेसिकली सम निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे इफ़ एस दैट सम इज इक्वल टू द
गिवन सम, देन विल जस्ट प्रिंट दोज नंबर्स, ये बेसिकली वो दो पेयर के नंबर हो जाएंगे और वहाँ से रिटर्न कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो हम लोग चेक करेंगे इफ़ दैट इज ग्रेटर देन सम, तो जो हमारा राइट पॉइंटर है उसको लेस करेंगे, एल्स जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको इंक्रीज करेंगे। तो इसके ऊपर जो फॉलो अप क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में वो ऐसे आता है कि सॉर्टेड एरे था इसीलिए हम लोगों ने ये जो टू पॉइंटर मेथड है उसको अप्लाई कर दिया, जो एरे हमारे पास इनपुट आ रहा है वो अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो कैसे किया जाएगा। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।